तो भाई लोगों, आज हम कवर करेंगे हॉलीवुड की कुछ ऐसी मूवीज को जिनमें हमारी पृथ्वी लगभग खत्म होने की कगार पर आ चुकी है। ऐसे में इंसान कैसे सरवाइव करता है और इसके बीच जो डर और टेंशन फील होती है वो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी। आज की सारी मूवीज जबरदस्त हैं और तबाही का एक अलग ही रूप हमें दिखाती है। साथ ही सारी मूवीज तुम्हें हिंदी में भी देखने को मिल जाएंगी। तो चलो फिर ज्यादा देरी ना करते हुए आज का काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। पहली मूवी है ग्रीनलैंड, ये 2020 में आई थी। इसमें हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे कॉमेट धरती से टकराने वाले हैं और धरती जल्दी ही पूरी तरह से तबाह होने वाली है। ऐसे में गवर्नमेंट कुछ ऐसे लोगों को बचाने की कोशिश करती है जिनकी मदद से वो दोबारा अर्थ को रहने लायक बना सके। वही हमें जॉन की फैमिली को दिखाया जाता है जो कि गवर्नमेंट के हाथों चुनी तो गई है लेकिन सेफ जगह पर पहुंच नहीं पाई। फिर जॉन अपनी फैमिली को बचाने के लिए एक सेफ बंकर की तलाश में निकल जाता है। अब क्या वो अपनी फैमिली को सेफ जगह पर पहुंचा पाएगा या नहीं, वो सब तुम्हें इसे देखकर जानना होगा। मूवी को देखते समय ऐसा लगता है कि अगर सच में अर्थ खत्म होने वाली होगी तो इसमें दिखाई चीज असल जिंदगी में भी देखने को मिलेगी। ये मूवी अपने आप में काफी ज्यादा रियलिटी दिखाती है, तो मैं तो इसे तुम्हें एक बार जरूर रिकमेंड करूंगा। बाकी ये तुम्हें Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है सैन एंड्रियास, ये 2015 में आई थी। इसमें रे नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका रोल दी रॉक ने किया है जो कि लोगों को रेस्क्यू करने का काम करता है। वहीं दूसरी तरफ एक प्रोफेसर को ये पता चलता है कि सैन एंड्रियास में अब तक का सबसे बड़ा भूकंप आने वाला है जिससे पूरा सैन एंड्रियास ही तबाह हो जाएगा। फिर वो प्रोफेसर सब लोगों को ये बताकर सैन एंड्रियास को खाली करने के लिए कहता है और वहीं उस भूकंप में रे की फैमिली भी फंस जाती है जिन्हें वो वहां से निकालने की कोशिश करता है। अब वो अपनी फैमिली को भूकंप से बचा पाता है या नहीं, वो सब तुम्हें इसमें देखना होगा। ये मूवी बहुत तगड़ा थ्रिल एक्सपीरियंस कराती है और हमें इसमें अलेक्जेंडर डेट्रियो भी देखने को मिलती है। मैं सच बताऊं तो मैंने इसे अलेक्जेंडर डेट्रियो की वजह से ही देखा और भूकंप आना एक नेचुरल डिजास्टर भी है तो मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी। तुम भी इसे एक बार जरूर ट्राई कर लेना, ये तुम्हें नेटफ्लिक्स पर देखने को जाएगी। नेक्स्ट मूवी है द इम्पॉसिबल, ये 2012 में आई थी। इसमें मारिया हेनरी अपने तीन बच्चों के साथ थाईलैंड में क्रिसमस मनाने एक बीच के किनारे जाते हैं जहाँ पर एक आफत उनकी राह देख रही होती है और वो आफत होती है सुनामी। उस बीच पर इतनी तगड़ी सुनामी आती है कि जिससे उनके आसपास की सारी जगह ही खत्म हो जाती है और बहुत से लोग भी मारे जाते हैं। और उस सुनामी की वजह से मारिया हेनरी और उनके बच्चे एक दूसरे से बिछड़ भी जाते हैं। फिर अब वो लोग एक दूसरे को ढूंढ भी पाते हैं या नहीं, या उनमें से कोई सुनामी में मर जाता है और सुनामी क्या क्या आतंक मचाती है, अगर तुम्हें भी जानना तो भाई मूवी देखकर जानो। इसे देखकर थोड़ा डर भी लगता है क्योंकि सुनामी वो चीज होती है जिसके सामने कुछ भी आ जाए वो उसे बहाकर ले ही जाती है। इसे भी तुम एक बार देखना कंसीडर कर सकते हो और ये तुम्हें Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है कंटेजियन, ये 2011 में आई थी। पहले ही बता दूं ये मूवी गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली है। इसमें हमें एक ऐसा वायरस देखने को मिलता है जो बहुत तेजी से फैल रहा होता है और उसकी चपेट में आने वाले हर शख्स की मौत हो रही होती है। और जब गवर्नमेंट को इसके बारे में पता लगता है तो वो इसकी जड़ तक जाने की कोशिश करती है और इसको रोकने के लिए एक वैक्सीन बनाती है। अब ये सब सुन के तुम्हें कोरोना की याद आ गई होगी जो कि बहुत तगड़ी महामारी आई थी और ये मूवी 2011 की है। कोरोना के आने से 8-9 साल पहले की मूवी है ये। मतलब किसी ने ये भी पहले ही सोच रखा था कि ऐसा भी डिजास्टर हमें देखने को मिल सकता है। और इसमें वायरस के फैलने की जो वजह बताई है वो सच में तुम्हारे होश ही उड़ा देगी। इसमें हमें एक्शन कॉमेडी ड्रामा नहीं देखने को मिलता क्योंकि इसका जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा सीरियस है। अगर तुम इसे देखना कंसीडर करने वाले हो तो ये तुम्हें जियो सिनेमा पर देखने को मिल जाएगी। हमारी नेक्स्ट मूवी है ट्विस्टर्स, ये 2024 में ही आई है। इसमें कुछ दोस्तों के एक ग्रुप को दिखाया है जो कि टोर्नेडो यानी बवंडर को रोकने की कोशिश करता है ताकि वो उससे होने वाली तबाही को कम कर सके। और बवंडर भी एक ऐसी चीज होती है जो सामने आने वाली हर चीज को अपने अंदर समा लेती है, फिर चाहे वो इंसान सामान या फिर गाड़ियां ही क्यों ना हो। तो अब वो ग्रुप टोर्नेडो को रोकने के लिए क्या क्या चीजें करता है और उनको उसे रोकने में क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ती है वो सब तुम्हें इसे देखकर जानना होगा। इस मूवी को एकदम मस्त तरीके से राइट और डायरेक्ट किया गया है जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी बोर नहीं करती और इसे देखने में इंटरेस्ट भी बना रहता है। ये भी काफी सही मूवी है जिसे तुम्हें मिस नहीं करना चाहिए। अब अगर तुम इसे देखने वाले हो तो ये तुम्हें Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी।
हमारी नेक्स्ट मूवी है द वेव, ये 2015 में आई थी। इसमें कहानी दिखाई जाती है एक जियोलॉजिस्ट और उसकी फैमिली की। जियोलॉजिस्ट को अपनी रिसर्च के दौरान पता चलता है कि सब कुछ तबाह होने वाला है और वो सारे शहर को खाली करवाना चाहता है, क्योंकि जहाँ पर उसकी फैमिली रहती है उसी के पास एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है और उस पहाड़ के कोलैप्स होने के बाद एक बहुत ही बड़ा पानी का सैलाब आ जाता है जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाता है और काफी ज्यादा तबाही मचाता है। तो ऐसे में जियोलॉजिस्ट अपनी फैमिली और लोगों को उस जानलेवा मुसीबत, उस वेव से कैसे बचाता है और उस सुनामी से कैसे निकलता है, वो सब तुम्हें इसमें देखना होगा। मूवी के सारे सीन बहुत ही ज्यादा रियल लगते हैं और ये एक बेहतरीन मूवी है। इसे भी तुम एक बार देखना कंसीडर कर सकते हो और तुम इसे Amazon Prime Video पर एंजॉय कर सकते हो। Sit tight and assess. Sit tight and then assess. The sit tight part comes first and you got to digest it. That's the assessment period. हमारी आखिरी मूवी है डोंट लुक अप, ये 2021 में आई थी। इसमें कुछ साइंटिस्ट को ये पता चलता है कि जल्दी ही एक माउंट एवरेस्ट के साइज का कॉमेट हमारी धरती से टकराने वाला है और उसके टकराते ही पूरी अर्थ और उस पर रह रहे जीव जंतु पेड़ पौधे सब खत्म हो जाएंगे। फिर वो लोग उस तबाही को रोकने की कोशिश करने के लिए गवर्नमेंट के पास जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ये सब सुन के उनका मजाक उड़ाने लगती है और उनकी बातों को हल्के में लेने लगती है। तो अब वो साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो धरती को खत्म होने से रोक पाते हैं या नहीं, या फिर सब खत्म हो जाता है, वही सब जानने के लिए तुम्हें इसे देखना होगा। ये मूवी इतने सीरियस टॉपिक को एकदम कॉमेडिक वे में दिखाती है ताकि एंटरटेनमेंट का लेवल बना रहे, और इसे भी तुम एक बार जरूर ट्राई कर सकते हो। ये तुम्हें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ तक आए गए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, तुम्हारे एक लाइक से मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और मुझे भूल ना जाओ इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मैं तुमसे मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। It's not a game, it's a rich.